हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इदरीसी बटन स्टोर में। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि मैंने अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में ही कुछ रोज़ प्लांट की शॉपिंग की है, और जो कि मैंने ख़रीदे हैं बरेली से, लोकल नर्सरी से। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से प्लांट ख़रीद सकते हैं और कैसे आप हेल्दी प्लांट ले सकते हैं कम कीमत में, और बाई नेम्ड वाले, उसका भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि वो आपको क्या किस तरीके से आपको पहचानना है प्लांट को, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे जो प्लांट हैं, ये देख रहे हैं आप, 6 प्लांट हैं लगभग। तो इनको जो मैंने ख़रीदा है, तो इसकी जो कॉस्ट आई है सब तक 70 रुपये करीब मुझको ये पड़ा है, क्योंकि ऐसा है मैंने दूसरी नर्सरी से, नई जगह से परचेस किए थे। दौलत राम नर्सरी पर नहीं जा पाया था क्योंकि और सर्विस भी था परसों वाले दिन, तो वहाँ पर मैं गया था बरेली, कुछ काम भी था। तो उसी दौरान जो है मुझे ये बीच में नर्सरी दिख जाती है, जहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छे सारे खूब कलकत्ते की गाड़ी उतरी होती है उनके पास। तो वो नर्सरी है बरेली में देव नर्सरी करके, आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। तो देव नर्सरी करके जो उसका इलाके का मुझे नाम याद नहीं है, खैर तो आप देख सकते हैं। हालांकि मैं जल्द ही उनसे कांटेक्ट करके उनकी नर्सरी विजिट भी कर लूँगा एक आप सबके लिए। तो उसमें जो है मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव से ये रोज़, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसमें मुझे कि डबल डिलाइट करके भी प्लांट मिल गया। तो मैंने वहाँ गाड़ी रोकने के बाद, मैंने उनकी नर्सरी में जाने के बाद कुछ प्लांट सेलेक्ट किए। हालांकि 2-3 बेड उनके लगे हुए थे काफ़ी काफ़ी दूर तक, और काफ़ी सारे रोज़ प्लांट थे जो कि कॉमन से, जो गुलाब होते हैं नारंगी ऑरेंज कलर के, तो वो तो सारे इस टाइप के, मतलब इस टाइप से भी थोड़ा अलग कलर के थे, तो वो तो सारे होते ही होते हैं। फिर उसके साथ साथ जो है मुझे जो है इसका जो मुझे रोज़ पसंद आए, तो वो मैंने वहाँ से कलेक्ट किए, क्योंकि जो ज़्यादा ही अलग और एंटिक अट्रैक्टिव लग रहे थे तो उनको मैंने जो है वहाँ से कलेक्ट किया। तो मुझे उसमें से 6 प्लांट किए लगे, और मुझे लाने के लिए भी कोई साधन नहीं था, मैं अपनी गाड़ी से नहीं गया था हालांकि, तो जिस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई इन प्लांट्स को लाने में। खैर कोई नहीं, पर मुझे जो है दिक्कत तो हुई, दिक्कत के साथ साथ मुझे थोड़ा सा इसका सामना भी करना पड़ा कि मेरे प्लांट जो है, जिनकी ब्रांचेज जो थी वो लगभग सूख सी गई थी। तो ये देखिए, यहाँ से ये डैमेज हो गई थी इस वाले प्लांट की। तो मैं अभी बताऊँगा ये कौन कौन से रोज़ प्लांट हैं और जो है इनका नाम क्या है, क्या क्या नाम है। तो मैंने इनका टैग लगाया है, वो टैग किस तरीके से लगाया है वो मैं आपको बताऊँगा सारा का सारा इस वीडियो के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं, ये कुछ मेरी टहनी है, जैसे ये देखिए इसकी भी टूट गई थी, तो मैंने उनको ज्वाइंट कर दिया है, बेंड कर दिया है। तो हालांकि बेंड करने के बाद भी अच्छे से रुकी हुई हैं। तो मैं आपको जैसा कि हर बार रिकमेंड करता हूं कि आप अपने लोकल की नर्सरी में जाएं और नर्सरी में जाकर के विज़िट करें, तो वहां आपको एक से एक बेहतरीन जो है गुलाब देखने को मिलेंगे। तो और वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ना कि आप ऑनलाइन परचेस करें। हालांकि कर सकते हैं आप ऑनलाइन परचेज भी, कोई इशू नहीं है, बट आपको इस तरीके की हेल्प जो है मुश्किल से मिल पाती है। ऐसा प्लांट होने में लगभग 6-7 महीने लग जाते हैं, फिर भी टाइम का जो बचत है वो आप कर सकते हैं प्लांट के साथ। और अब मैं इनको जो है शिफ्ट करूँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, इसका वीडियो साथ के साथ शेयर करता रहूँगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा सा कलर इसके अंदर आया है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो मैंने आपको बता दी, ये मुझे 70 रुपये का प्लांट जो है एक पड़ा है। तो इसकी हेल्थ दिखाऊं मैं एक करके, ये देखिए काफ़ी अच्छा सा है, मतलब तो इसका जो मैंने नाम लिखे हैं, तो उसमें थोड़ा सा कुछ प्लांट्स के अंदर मिसमैच है, बहरहाल वो मैंने डबल करके नाम लिख दिए हैं उसके, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट है, क्योंकि इसके प्लांट खिलने पर कुछ और पूरा खिलने के बाद कुछ और होता है, हो जाता है, उसका कलर बदल जाता है, और जो कली होती है तो कलर कुछ और होता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने किस जो प्लांट के जो कंफर्म थे वो मैंने टैग्स लगा दिए हैं अभी। हालांकि मैंने टैग्स के लिए वो मंगवाई है, टैग्स आते हैं प्लास्टिक के, जो टैग लगाने के लिए जिस पे आप लिख करके लगा सकते हैं। तो ये हम इस वाले प्लांट की बात करने वाले हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर जो है खुशबू भी है, और इसकी जो इसका नाम है डॉक्टर किडवई रोज़, और डॉक्टर किदवई रोज़ है। इसके साथ ही ये मुझे जो है इसका खिला हुआ कलर कुछ और लग रहा है, बहरहाल इसका डबल डिलाइट शेप भी है। तो वो अभी दोबारा से जब कली खिलेगी इस पर, तब हम इसका जज कर पाएंगे, और फिर हमने जो टैग मंगवाए हैं अमेजोन से परचेस किए हैं उसके बारे में भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, फिर वो टैग हम वन बाई वन सारे के सारे प्लांट पर अपने लगा देंगे। और दूसरा जो हमारा है, ये देखिए
इसकी काफ़ी अच्छा कलर था, मतलब खिला हुआ था वहाँ नर्सरी पर। इसे मुझे हो गया लगभग 2 दिन, आज ख़रीदे हुए हो चुके हैं, तो मैं 2 दिन के बाद ये वीडियो आज बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसकी जो किनारी है ये इस पे काफ़ी अच्छा सा सेफ था लाल कलर का, तो उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर रोज़ करके है, इसका दूसरा एक और नाम भी है। ये मेरे 2 प्लांट हैं, तो इसका भी मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इस प्लांट का मुझे कन्फ्यूज़न है थोड़ा सा, इसका और इसका, क्योंकि ये और ये एक ही चीज़ है रिंग ऑफ फायर करके है। तो इसका आप नाम मैं बताऊंगा किस तरीके से देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, रिंग ऑफ फायर और इसका जो है रोटरी सनराइज, ये 2 नाम है। दोनों नामों में से एक नाम इसका जो है कन्फर्म है। हालांकि अभी जो है इसका जो फूल खिला हुआ था तो उस टाइम तो ठीक था, फिलहाल बढ़िया अच्छा था, लुक बेहतरीन लुक था इसका। मैं आपको क्या ही बताऊं कि इसका लुक जो किनारी का था, ये जो पत्ते की जो किनारे के शेप का, बड़ा शानदार था। 2 दिन बाद ये और वहाँ पर भी खिला हुआ था, कब पता नहीं कब से खिला हुआ होगा, तो उस हिसाब से मैंने नाम लिख के लगाया है। तो ये हमारा हुआ, ये 3 प्लांट हमारे हो चुके हैं, एक दो दो ये हमारे हो चुके हैं, और ये रिंग ऑफ फायर करके भी हैं दोनों मेरे, जो कि काफ़ी अच्छे खूबसूरत, इनका अलग ही लुक था। और ये मेरा डॉक्टर किडवई करके जो है रोज़ ये हैं, तो इसका जो है अलग, इसका भी खुशबू है, हालांकि इनमें भी खुशबू है, मैं खुशबू वाले लेकर के आया था। आइए अब चलता हूँ मैं 3rd प्लांट की ओर, जो कि ये भी 70 रुपये का मैंने ख़रीदा था। तो इसका जो नाम है, इसका नाम है सॉन्ग एंड डांस। ये देखिए आप इसको अच्छे से पहचानें, ये सॉन्ग एंड डांस है। इसका नाम पता नहीं किस वजह से रखा गया होगा, क्योंकि सारे हाइब्रिड रोज़ हैं, इनके नाम तो भाई और उसी हिसाब से रखे गए होंगे, तो इसके बाद में अपनों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, यही बहुत है कि अपना नाम याद कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बाकी जो डिटेल है गुलाब की, वो सारी अंदर जा कर के जानकारी लेने के बाद ही पता लग पाएगी कि इसका नाम जो है सॉन्ग एंड डांस क्यों रखा गया। ठीक, वो उसके बारे में हमें अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, जिस दिन जानकारी होगी इंशाल्लाह उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये हमारा रहा एक कन्फ्यूजन वाला प्लांट, जो कि यहाँ से ग्राफ्टेड है, देख सकते हैं ये कलकत्ते से ही आया हुआ है, जो नर्सरी में भी गाड़ी उतरी थी, तो इसके भी सिंगल ब्रांच है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आप देखें, इसका शेप देखें और इसका कलर देखें, इसका डिज़ाइन देखें, फूल का काफ़ी भरा हुआ है और इसके अंदर भी खुशबू आ रही है, खुशबू है। और ये अभी इनकी साइज़ जो है अभी इस टाइम पर छोटे हैं, बट इनके जैसे ही अक्टूबर गुजर जाएगा, नवंबर दिसंबर जैसी ठंड, जितनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी उसी हिसाब से इनके जो है साइज़ बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका जो मतलब नाम है, एक तो एक जानकी अमल रोज़, एक तो ये है इस तरीके से आप देख सकते हैं, और दूसरा है ब्रॉडवे। इस तरीके से इसको मैंने जो है नोटिस किया है और इसका टैग लगाया है भी, ये तो कागज़ के टुकड़े पे एक मैंने काट करके लगा दिए हैं सारे के सारे टैग, पर अभी मैं इस पे जो है मतलब कम्प्लीटली जो है इस पे टैग्स लगाऊंगा, जो परमानेंट वाले हैं वो बाद में, क्योंकि अभी पूरा कंफर्म मैं इनकी जांच कर लूं और बाद में भी बात करूंगा मैं लास्ट प्लांट दिखाने के बाद। ये मेरा लास्ट प्लांट है, इस पे जो फूल खिला था बहुत अच्छा फूल था, जिसके नाम से आप अच्छे से वाकिफ होंगे और इसके रेट से भी आप अच्छे से वाकिफ होंगे। अगर आप किसी भी नर्सरी से इस गुलाब को परचेस करेंगे तो उस गुलाब के रेट काफ़ी हाई होते हैं, जिसका नाम है डबल डिलाइट। ये देखिए इसकी डबल डिलाइट, और इसके अंदर खुशबू भी बहुत ज़्यादा, और इसके जो फूल का कलर था बीच में से वाइट वाइट पिंक पिंक सा, मतलब वाइट वाइट सा, और बाहर की किनारी ये जो है मतलब डार्क पिंक है, तो काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू है। इसको भी फूल गिर चुका है, तो जैसे ही इसकी जो नई बार्स है, हालाँकि इस पर डिजीज़ है मेरे ख्याल से शायद, हाँ ये देखिए ये बर्ड्स भी ख़त्म हैं, बहरहाल अभी तो नहीं खिलने वाली है, तो इसको हम पंच कर देंगे। और इसमें मेरे ख्याल से ये देखिए पीछे कुछ कीड़ा वीड़ा लगा हुआ है, ताकि इसकी पत्तियां जो है मुड़ चुकी हैं, या थ्रिप्स माइट्स या फिर मिली बग्स वगैरह, इन टाइप की मिली बग्स तो नहीं, सिर्फ थ्रिप्स या माइट्स वगैरह का खतरा हो सकता है, तो इसको हम जो है पिंच कर देंगे, और इसको भी हम यहाँ से पिंच कर देंगे जैसे कि हमें कर देना चाहिए। तो ये जो है, चलिए ये अभी नहीं हो रहा है, मैं बाद में कैंची से काट करके रख दूंगा। तो ये डबल डिलाइट है, इसकी कीमत भी जो है 70 रुपये की है। ये देखिए आप इसकी प्लांट की हेल्थ देखिए, कंडीशन देखिए डबल डिलाइट की, और इसकी जो कॉस्ट है वो देखिए आप, ये भी 70 रुपये का। हालांकि अगर मैं दौलतराम नर्सरी पर जाता तो मुझको जो है ये 50 रुपीज़ के अंदर मिल जाता। तो आइए अब मैं जो है आपको दिखाता हूँ इसके बारे में, मैंने आपको बताया कि इसके टैग मैंने कैसे लगाए,
तो इसका पहला तरीका तो यह है कि गूगल एक बहुत ही हेल्पफुल जो है एप्लीकेशन है, गूगल का इंटरनेट का प्लेटफॉर्म समझ लीजिए कि गूगल पे आप जो है किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे तो वो इजीली आपके सामने आ जाती है। जैसे कि गूगल पे नया फीचर्स जो है आ चुका है, फ़ोटो आप इसका ले सकते हैं, उसके बाद भी नाम आ जाएगा इसका, मगर मुझे वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगा उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे कलर आ जाते हैं, टी बडिंग हाई रोज़ इस तरीके से लिख के आ जाते हैं, हाइब्रिड रोज़, पर उसके प्रॉपर नेम नहीं देते हैं कि क्या नाम है इस गुलाब का। तो उसके लिए जो है हमने एक ट्रिक जो है वो अपने दिमाग से मतलब जो है लगाया कि क्या करना चाहिए। तो मैंने एक जो है कैटलॉग, जो कि आप चाहें तो पुष्पांजलि नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, चाहें किसी भी तरीके की नर्सरी जो भी ऑनलाइन सप्लाई है बिग टैग जो देती हैं, तो ये मैंने KSG से 150 रुपीज़ का कैटलॉग परचेस किया था। तो यहाँ से आप जो है इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, ये वाला देखिए, ये जो रिंग ऑफ फायर जो दिख रहा है ना, ये आपको इसमें सेम यही पोजीशन इस वाले गुलाब की थी, सेम यही पोजीशन सेम। अब तो ये ओल्ड हो चुका है, इसका कलर भी डल पड़ चुका है, तो मैं आपको जब खिलेगा दोबारा तो फिर मैं आपको उसको दिखाऊंगा। इसका वाइट बहुत गहरा येलो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके। तो इस तरीके से आप यहाँ से मतलब जो है इस तरीके से कैटलॉग में से निकाल सकते हैं नाम, और इसमें काफ़ी सारे मतलब जो है फ्लावर्स की रेंज है, और उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या किस प्लांट किस रोज़ का क्या नाम है, वो आप यहाँ से टैग कर सकते हैं। आपको मैं यही रिकमेंड पहले भी करता था हर वीडियो में, और अब भी मैंने किया है इस वीडियो में भी, कि आप जो है जहाँ तक हो सके तो बच्चे ऑनलाइन परचेस से, क्योंकि उसमें थोड़ा ख़तरा हमारे प्लांट को रहता है, डैमेज हो जाते हैं, बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कि प्लांट अच्छे नहीं भेजे, हेल्दी नहीं थे, हालांकि ट्रांसपोर्ट में भी गड़बड़ हो जाती है, और कुछ प्लांट हम जो मंगाते हैं वो मिल भी नहीं पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सचेंज हो जाते हैं प्लांट। तो उस चीज़ को मैंने जो गौर किया तो उसमें ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप नर्सरी से परचेस कर सकते हैं और सेलेक्ट करके आप अच्छे से अच्छा गुलाब अपने घर में लगा सकते हैं। तो इनको लगाने के लिए जो मतलब मैंने जो पिछली बार आपको दिखाया था कि ग्रो बैग्स मैंने ये मंगवा लिए हैं, इसके लिए लगभग लगभग जो है 12 ग्रो बैग्स आए हैं मेरे 12x12 के, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में लगा करके दिखाया था। तो वो गुलाब ये है, और इसको जो है लगे हुए लगभग आज 8-10 दिन हो चुके हैं मेरे ख्याल से, नई इसमें जो है सूट भी आना शुरू हो चुकी है, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। इसका ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया है, और ये 12x12 के जो ग्रो बैग हैं जो कि फैब्रिक्स वाले हैं, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा मुझे फैब्रिक्स लगा। इसमें पानी रुकने का कोई सवाल ही नहीं है, अभी मैंने इसमें पानी डाला है और आप देखें इसे, और राइस हैस्क में मैंने इसको ग्रो किया है। इसकी वीडियो करने देखी, वीडियो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं इस वीडियो को और इन्जॉय कर सकते हैं, और अधिक से अधिक जानकारी भी आप ले सकते हैं। और उसी के साथ ही ये ग्रो बैग्स मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ अगली वीडियो में फुल डिटेल के साथ, और इसको जो है मैंने एक वीडियो बना भी चुका हूँ, इसके जो मेरे कई साइज आए थे मेरे पास, तो उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जा करके इन ग्रो बैग्स की भी जो है वीडियो देख सकते हैं। बाकी उसमें काफ़ी सारे साइजेस थे तो वो मैंने उसमें एक्सप्लोर किए थे आपकी जानकारी के लिए, और काफ़ी सारे कलर जो है अवेलेबल है इनके पास, वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस वाले की जो है अभी मैंने देखा नहीं है इनको खोल के, इनको मैं आपके सामने ही कल खोलूँगा, अनबॉक्स करूँगा और उसको जो है आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये जो थे मेरी प्लांट शॉपिंग अक्टूबर की, पहले अक्टूबर की स्टार्टिंग की जो है रोज़ प्लांट शॉपिंग है, तो इसको जो है आप देख सकते हैं मैंने जो परचेस किया है। तो अगर ये दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, और मेरा जो सजेशन था अगर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मतलब जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं वीडियो पे जब आए हैं आप, और बगल वाले बेल के आइकन को ज़रूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।